मम्मी आ गया, मम्मी आ गया, ओ मम्मी आ गया, बाप रे, अरे मम्मी रखो। ये है गाइस यहाँ की लोकल मार्केट। आंटी आंटी अभी चेकअप कर रही हैं। वो गई मम्मी, गई सामान लेके, वो गई, लोग ले भी जा रहे हैं इस तरह से। ये होटल्स वगैरह में जा रही होंगी। गुड मॉर्निंग गाइस, आज नैनीताल में दूसरा दिन और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं मम्मी को लेके आ रही हूँ हॉस्पिटल। मम्मी के पैरों में दर्द है बहुत टाइम से, तो जो बुआ के सामने जो उनकी नेबर है, जो मैंने दिखाई भी था ना घर है नया सा बना हुआ, वो डॉक्टर है, तो उन्होंने बोला है कि मेरे पास ले आना हॉस्पिटल में, मैं देख लूँगी। और संजय हमारे साथ आ रहा है हमको छोड़ने के लिए, हमें रास्ता पता नहीं कि कहाँ को जाना है। तो पहले मम्मी को हॉस्पिटल दिखा देते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, क्या ट्रीटमेंट के लिए बोलता है। वैसे तो जो मम्मी ने गांव में दिखाया था वो डॉक्टर बोलते कि मोटापा ज़्यादा हो गया है, तो मोटापा कम करो अपना, ऐसा मम्मी ने बताया, मुझे पता नहीं है। और ये जो घर आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे, ये जो बुआ के देवर हैं छोटे वाले, उनका है अंदर जाके, यहाँ से दिखाई नहीं देता। और उससे पहले वाली जो कोठी थी वो उनके बड़े वाले देवर का है। तो अभी चढ़ाई ज़्यादा हो गई, यहाँ से निकलते हैं और हॉस्पिटल में जाकर देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या क्या प्रोसेस है ये पता नहीं मम्मी के सब ट्रीटमेंट का। ये देखो ये हम लोग हैं और ये लोग हैं। कोई डर नहीं है कि मतलब आदमी है यहाँ पर। और ये बावले काटने भी आ रहे हैं, देख रहे हो इतने छुटकन से पूरा, बोले बाबरे वाह वाह। ये देखो कोई डर ही नहीं हो ना उनका इलाका पर नैनीताल। जब देखो लंगूर बंदर जिधर देखो उधर, हाय राम। ये जो रास्ता है गाइस ये जाता है सीधे नीचे जो तिब्बत मार्केट है वहाँ को, और ताल की तरफ को, मतलब मेन मार्केट आपको दिख भी रहा होगा सामने, दिखने लग गया है उधर की तरफ का था शॉर्टकट रास्ता है बुआ के घर से। मम्मी को चलते चलते एक दोस्त मिल गई है। आंटी इसमें हाय बोल दो। हाय हाय, मैं वीडियो बनाती हूँ ना फिर यूट्यूब पे डालती हूँ। तो आंटी के बच्चे हमारे आगे से जा रहे थे, तो आंटी ने पूछा कहाँ से और क्या हो, तो मम्मी को अच्छी दोस्त मिल गई चलते चलते। मम्मी को कोई ना कोई दोस्त चाहिए होता है। आप इधर ही रहते हो आंटी? अच्छा अच्छा, वो संजय को जानते हो क्या आप? कौन से संजय को? अच्छा अच्छा सॉरी, मुझे लगा आपके बच्चों के साथ, वो बच्चे आप ही के साथ है जो? अच्छा अच्छा, मुझे लगा वो आपके साथ जा रहे हैं। वो रहते हैं ना बीच में, देवर को नहीं देते, तीन चार टाइप का। अच्छा वो उसके बच्चे थे, मैंने कहा काट देंगे यार, वो तो चले गई थी घर। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि वो संजय हमारे साथ आया, तो आप उसको जानते हो। अच्छा काम वहाँ पर रास्ते में रहती है ना। हाँ हाँ हाँ, कर देती है। हाँ मम्मी ना इसकी। हाँ वो चले गई थी, छोटा एक और है उसका। अच्छा उस समय बंधन भी आया था। अच्छा मैंने कहा यार बच्चे सबके ऐसा ही होता है ना, काट देगा तो घर के, तब मम्मी साथ ले आई, तब आप आए वो साथ है बच्चों को लेके। तो बढ़िया है, डर भी तो यहाँ पर इतनी है जगह पे, कुत्ते बंदर, होटल वाला खाना तो खाना भी। आंटी बंदर देखो कैसे आ रहे हैं यहाँ, कुत्ते देखो जरा, ओ बाप रे, ये सब कुत्ते ही कुत्ते हो रहे। ये देखो रास्ते में आराम से सो रहे हैं। हाँ कांटे भी आते हैं ना ये। अच्छा ये गाइस संजय आपको ले आ रहा है अभी यहाँ की लोकल मार्केट से। आंटी बता रही कि यहाँ कोई आड़त मार्केट लगती है। हाँ तो वहाँ सब्जियाँ महंगी, और अगर नॉर्मल मार्केट से यहाँ से परचेज करोगे तो सब्जियाँ बहुत महंगी हैं, तो यहाँ पर जो सस्ती मिल जाती है आड़त में जो सब्जियाँ हैं, इसीलिए देखो लोग ले भी जा रहे हैं इस तरह से। ये होटल्स वगैरह में जा रही होंगी पक्का। अरे अच्छा 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 आंटी, चलिए ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ वो आंटी को जानते नहीं है, बट वो आंटी हमारे साथ आगे, तो इसीलिए हमने सोचा चलो बातचीत कर लेते हैं। संजय को भी शायद अभी आड़त मार्केट जाना होगा, हम जाते हैं फिलहाल पहले। हाँ ये मार्केट है यहाँ की लोकल मार्केट, देख लो अभी लोकल मार्केट है ये, यहाँ पर सारा सामान वामान जो लोकल लोग लेते हैं वो मिलता है। ये पहुँच गए गाइस हॉस्पिटल जहाँ आंटी डॉक्टर हैं। अभी पता नहीं आंटी अंदर है या नहीं है। अच्छा बाबरे काफ़ी ऊंचाई में, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है गाइस यहाँ का, यहीं पे मम्मी को दिखाना है। मम्मी को बोला था कि दिल्ली बेस हॉस्पिटल में, मम्मी मानती ही नहीं है। मम्मी कुछ बोलो से यार, आज मेरा मुँह बंद हो रखा है, थक गई अब यहाँ तो चढ़ाई नहीं चढ़ पाती, वो क्या करें। चढ़ाई क्या, हम प्लेन्स में रहने वाले, गांव में कौन सा प्लेन्स हो रहा है, प्लेन है इससे इतने चढ़ाई। हाँ तो सीट भी तो ये है हॉस्पिटल, मम्मी की हालत खराब आ रही है वो चढ़ाई चढ़ने में।
हाँ भैया पहले ओपीडी में अगर भीड़ नहीं होगी ना, आंटी कह रही थी कि अगर अच्छा अच्छा हाँ ठीक है भैया, ये बेचारा बहुत हेल्प कर देता है। तो गाइस यहाँ से दर्शन कर लो, चारों तरफ देखो पहाड़ी पहाड़ है। हाँ कुछ भी नहीं हो रहा हो तो मुझे पता है, लेकिन मैं देखो ट्रॉली यहाँ पर ही है, देखो घूम जाना है, रुक जाओ कल को हेमंत आएगा तो फिर परसों को साथ ही में जाएंगे। मेरे काम में गाइस उल्टा ही होता है, मास्क पहना भूल गई, मम्मी हमेशा मेरे साथ मास्क लेके घूम रही है तो कह रहे कि यहाँ कहीं से मास्क ले लो, पता नहीं कहाँ से ले रहा है मास्क, देखो देखती हूँ मैं। अच्छा ये है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है मास्क, लू है ना तू आंटी के पास ही आना है, चहन दू ना, चलो ठीक। आंटी आंटी अभी चेकअप कर रही हैं तो अभी थोड़ी देर रुक जाते हैं, अगर आंटी के थोड़ा सा अगर क्लियर हो जाएंगे पेशेंट्स वगैरह तभी जाएंगे। ये है गाइस यहाँ का हॉस्पिटल, लोग निकल गए हैं हॉस्पिटल से, मम्मी के जो एक्सरे कराने को बोला डॉक्टर ने तो एक्सरे रिपोर्ट तो बिल्कुल फाइन आई है, बल्कि जो एक्सरे कर रहा था वो कह भी रहा था कि बहुत श्योर है आप कहाँ जॉब करते हो, आपका बिल्कुल सही आया है। तो डॉक्टर ने फिजियोथेरेपिस्ट के पास दिया था, उसने 5 एक्सरसाइज बताई थी, एक्सरसाइज आप डेली करो वरना पेन आपका डेली बढ़ते रहेगा। तो मम्मी ने अभी तो कर दिया, पता नहीं घर जाके करेगी नहीं करेगी, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब मैंने मम्मी को बोला कि चलो फिजियोथेरेपिस्ट के पास तो मम्मी कह रही है कि नहीं क्या जाना है, मेरे को सब पता है कैसी एक्सरसाइज होती है, और जाने को तैयार नहीं थी, झगड़ा करके डांट करके ले गई हूँ, तो वो सब ले लिया है। और अभी दवाई वगैरह लेके, अभी एक दवाई बाहर से भी लेनी है, थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि बुआ के लिए सब्जी वगैरह ले लेते हैं, मार्केट जाते हैं, अभी वहीं से हम लोग घर को निकल जाएंगे। पहले बुआ ने कहा था कि मम्मी को बोटिंग करा देना, बट इतनी गर्मी यार नैनीताल में इस समय सुबह के 10 बज रहे, इतनी गर्मी हो रही है, बोटिंग वोटिंग करने का कोई मतलब नहीं है, घर को ही निकलते हैं अभी सामान वगैरह लेके। ये है गाइस यहाँ की लोकल मार्केट, इसको यहाँ आड़त मार्केट कहते हैं, मतलब यहाँ पर सारी सब्जियाँ वगैरह और शायद ख़त्म होने वाली भी 11 बजे बंद हो आती है, तो पूरा यहाँ पर से जो सब्जी रहा है लोकल लोग वो यहाँ से लेके आते हैं। संजय भी दूध वगैरह लेने के लिए गया तो बुआ ने कुछ सब्जी वगैरह मंगाई थी ये बीच मार्केट में, इस तरह से यहाँ पर सब्जियाँ बहुत सस्ती मिल जाती हैं, इसीलिए लोग मतलब सुबह सुबह यहाँ सब्जियाँ ले आ लेते हैं। मैंने लिए यहाँ से ना क्या तोरई और क्या लिया था, तोरई और करेले, और इतने बेकार तोरई मैंने बताया था मार्केट में कि टूरिस्ट से देख के समझता था कि कौन यहाँ से कौन बाहर से, मेरे को 30 रुपये किलो दे दिया, उसी की जस्ट आगे इतनी अच्छी तोरई वगैरह मिल रही है वहाँ पर, सब चीज़ मतलब जो भी मैंने चीज़ें मैं सारी 30 से 40 रुपये किलो ली हैं, और आगे आके सारा कुछ 20 रुपये किलो था, मतलब हर चीज़ में 10 या 20 रुपये का मेरे को लॉस हुआ है। मतलब कि संजय तो कह भी रहा था कि दीदी आपने ले लिया वरना आपको बहुत महंगा लगाया इसने यहाँ पर, तो मतलब ये सोच रहे कि टूरिस्ट है तो चलो ले लें करके, बुआ ने बोला था मेरे को कि ये चीज़ यहाँ पर करते हैं लोग कि लूट लेते हैं सोच के, तो लूट लिया मेरे को अच्छे से उन लोगों ने यहाँ पर, और इतना फ्रूट्स भी इतने महंगे महंगे दे रहे हैं, 100-100 रुपये किलो से नीचे तो कोई फ्रूट ही नहीं है यहाँ पर। अभी संजय गया हुआ शायद कुछ सामान वामान खरीदने के लिए, तो अभी वो आता है तो फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से। सुबह के 10 बजे का इस भीड़ देखो मार्केट में, मार्केट में भी कहा मार्केट के भीड़ से तो हम आ गए ऊपर, यही हम नॉर्मल जा रहे हैं ऊपर घर की तरफ को, मार्केट नीचे की तरफ को था तो ये भीड़ है इसमें। सुबह 10 बजे इतनी तेज़ धूप हो रही है, तो सोचो आप शाम के टाइम पर जब टूरिस्ट बाहर निकलता है तो यहाँ क्या हाल होता होगा, इसीलिए हम सुबह सुबह आ गए थे यहाँ। तो फिर भी सही नीचे मार्केट में तो पैर रखने की जगह नहीं हो रही है, देखो गाड़ियाँ नॉन स्टॉप गाड़ियाँ जा रही हैं, ये सारे होटल्स वगैरह यहाँ से चालू आते हैं, इसके आगे से बुआ का घर चालू आता है थोड़ा सा हाई कोर्ट के बगल में आके, हाई कोर्ट में इतने बढ़िया फूल लगाए हुए और सारा ये लंगूरों ने फूल तोड़ तोड़ के देखो, देखो कैसे, नहीं नहीं मत करो काट लेंगे बच्चा, ये देखो चारों तरफ, ओ मम्मी आ गया, मम्मी आ गया, ओ मम्मी आ गया, बाप रे, अरे बाप रे, अरे मम्मी भागो 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 कह रही हूँ, अरे बाप रे, अरे बाबा किनारे से आ जा, बाबी बाप रे, वो हाथ में फल भी है, मेरे हाथ में पुलम रखे हुए काटने के लिए आ रही है, देखो बाबा रे, बड़ा आतंक है यहाँ पर लंगूरों का और बंदरों का बहुत ज्यादा, ये देखो सबके घर के चारों तरफ बैठ के जितने फूल वगैरह थे सब खा लिए, बाबा कौन इंतजार कर रहा है हमारा घर में, कौन ये देखो मैं के लिए क्या लाई, अरे रे रे रे, अरे पहले पहले ऊपर ही रखो क्यों पहले न ले, चलो 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 चलो, खुशबू मार रहा है, देख रहे हो इतनी देर से कहाँ गए थे करके, वो गई मम्मी गई सामान लेके,
वो गई आज छोड़ दे पे अपने को सुखा फिर आना अंदर चलो को तो भैया अगर चीज चीज सोगे तो जरूरी आएगा पीछे से रहने दो बैठो अपने ये देखो बात है वो अब तो अंदर ही आएगा आजा फिर आ फिर चल तो क्या करूँ फिर अब रुकता है वो देख के हमको ये अब तो और दौड़ लगाएगा वो ये चलो 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 आगे आगे चलो 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 अरे मेरे खुश हो गया आओ चलो कहाँ है मम्मा कहाँ है मम्मा कहाँ है कहाँ है बुआ हमने रोका नहीं था खुद ही रुका था बेचारा वो जवाब बहुत ही कर दे रहा है वो तो तब मैं कर देता हूँ सारा पर्ची वर्ची सब दौड़ा दौड़ यहाँ वहाँ एक्सरे में बिल्कुल सही आ रखी मम्मी कुछ नहीं हो रखा अरे वही है वो कह रहे हैं वो करो एक्सरसाइज मम्मी से कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ मम्मी कह रही है वहां तो हाँ गिरी भाई गिरी हाँ मैंने जान मेरे को सब पसंद एक्सरसाइज मैंने लगाई डांट फिर गई अंदर फिर डांटा बताइए पांच एक्सरसाइज बताइए ये खाने पीने का सामान